अब बात आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले देवेंद्र सहरावत की। आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक बने देवेंद्र सहरावत पंजाब महिला आयोग के सामने पेश हुए और उन्होंने फिर से अपने पुराने आरोपों को दोहराया। उन्होंने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए संजू सिंह और दुर्गेश पाठक का नाम लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर महिलाओं से शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पंजाब की सियासत गरमाई थी। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत पंजाब महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाए आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा। सहरावत के मुताबिक महिलाओं के शोषण से जुड़े जो भी मामले थे उन्होंने आयोग से शेयर किए हैं और आयोग अपने हिसाब से जाँच आगे बढ़ाएगा। मैंने जो यहाँ पर मामले थे वो सब इनके साथ शेयर कर लिए हैं। एक जो है प्रोसेस इन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस मामले को कैसे इसको और हैंडल करना है, वो जो है उसमें ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं पंजाब महिला आयोग का कहना है कि मामले का पूरा सच सामने आए इस मकसद से संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही बताया कि देवेंद्र सहरावत ने खुद की जान को खतरे की आशंका जाहिर की है, इसलिए सुरक्षा मांगी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रूफ तो उन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के नाम उन्होंने फिर से रिपीट किए हैं, जैसे मिस्टर संजय सिंह और मिस्टर दुर्गेश पाठक के नाम उन्होंने रिपीट किए हैं कि टिकट के वितरण में वो लोग औरतों का शोषण कर रहे हैं। तो ये बात तो है। तो एक बात उन्होंने जो बोली है कि मुझे अभी इन लोगों से खतरा भी है, अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो हो सकता मैं ज़्यादा प्रूफ हैं जो अथॉरिटीज़ को मैं दे पाऊँगा। सहरावत साहब झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो भी हम सुन सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम कमीशन का जो हम फैसला अभी बैठ के माइंड अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम कुछ आपको बता पाएंगे। सहरावत ने संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के नाम आयोग के सामने फिर से लिए हैं, हालांकि आयोग के मुताबिक स्पेसिफिक तथ्य नहीं दिए गए। कुलवीर दीवान, सी मीडिया, चंडीगढ़।